और पूरी तरह से वास्तव में एकता में शक्ति होती है, इसलिए पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिए हैं इस पराठे को। और हमको लग रहा है 2 मिनट के अंदर 8 के 8 पराठे उड़ा। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में नेनुआ की सब्जी और प्लेन पराठा लगा हुआ है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है, नेनुआ की सब्जी और पराठा खाने का चैलेंज होने चल रहा है, यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन इलाहाबादी जी से मिलकर बात करते हैं। आज हमारा प्लेन पराठा नेनुआ की सब्जी ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में 3 चैलेंजर आने वाले हैं। देखते हैं तीनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 700 इनाम की राशि लेकर जाता है, कौन जो है 8 पराठे और सब्जी सबसे पहले उड़ाता है, कौन इनाम की राशि लेकर के जाता है, कौन सिर्फ सब्जी रोटी का पराठे का आनंद लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 चैलेंजर एक साथ आने वाले हैं, तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके इनाम की राशि कौन लेकर जाता है। तीनों चैलेंजरों में इस समय होड़ मच चुकी है, जो सबसे कम समय में ये थाली खाली करेगा वही विजेता कहलाएगा। तो देर न करते हुए सबसे पहले महेश जी का नंबर आया है, तो महेश जी के लिए टाइमर को चालू कर दिया जाए। और यहाँ पर टाइमर चालू हो चुका है, तो महेश पूरी तरह से बाइट मारना भी चालू कर दिए हैं। बहुत गजब। देखते हैं 8 पराठे कितने समय उड़ाते हैं और अगले चैलेंजर को कितना समय का टारगेट देते हैं। हाँ, और इनके बाद नंबर लगेगा तो प्रमोद जी का, उसके बाद आने वाले हैं गौतम जी। बहुत गजब। और देखते ही देखते पूरे पराठे बहुत बढ़िया और टुकड़े में कर देना चाह रहे हैं। तकनीक के साथ चैलेंज में उतरे हुए हैं, देखते हैं जो सूझबूझ जो तकनीक लगाए उस तकनीक के साथ कितना आगे जाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को फिनिश कर पाते हैं। बहुत गजब। और देखते ही देखते बाइट पे बाइट मारना चालू कर दिए हैं महेश, और जितना पराठा इनके समझ में आया है उतने पराठे को एकदम टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर लिए हैं। टुकड़े टुकड़े गाएंगे मैं सोच रहे हैं, बांट देते हैं ताकि इसको खाने में आसानी हो जाए और ये लोग इकट्ठा रह करके हमारे को दिक्कत ना करें। हाँ, और पूरी तरह से वास्तव में एकता में शक्ति होती है, इसलिए पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिए हैं इस पराठे को। और हमको लग रहा है 2 मिनट के अंदर 8 के 8 पराठे उड़ा देंगे, क्योंकि 4 पराठे जो है अभी 1 मिनट नहीं हुआ है उड़ गया है। बहुत गजब। तो साहस बना के चलिए और साहस बना के चल भी रहे हैं महेश। सब्जी का भी इस्तेमाल बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, अगर सब्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो पराठे भी नहीं चल पाएंगे। हाँ, और सब्जी पूरा नहीं खाएंगे तो जीत भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पराठा और सब्जी पूरी तरह से समाप्त करना है। नहीं, पराठा तो के साथ सब्जी खत्म ही हो जाए, क्योंकि सब्जी उतनी ज्यादा नहीं है कि क्या पता सब्जी और लेना पड़ जाए इनको। बहुत गजब। और देखते ही देखते चल रहे हैं, 4 पराठे को एकदम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाते नजर आ रहे हैं महेश। और जो टाइमर की स्पीड की टाइमर की बात की जाए तो 1 मिनट 27 सेकंड के ऊपर समय दर्शा चुका है। और यहां पर महेश 4 पराठे की कुर्सी भी आगे पीछे होने लगी है। हाँ, सोच रहे हैं थोड़ा सा आगे बढ़े तो पराठा भी आगे बढ़ जाएगा। बहुत गजब। और देखते ही देखते बहुत ही गजब अंदाज में महेश अपने आप को झोंक दिए हैं इस चैलेंज में, और सोच रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी पराठे को समाप्त करके अगले चैलेंजर को कम से कम समय दें और 8 पराठे बिल्कुल उड़ा दें। बहुत गजब। और 8 में से 4 उड़ गए हैं, 4 बचे हैं। बहुत गजब। देखते हैं 4 को कितने समय में उड़ाते हैं और चारों क्या सोच रहे हैं, फिर चारों तोड़ लेते हैं। बहुत गजब। और बहुत मस्ती से इस समय में मतलब बाउंड्री पे बाउंड्री लगाते हैं, उसके बाद चैलेंज को जीत कर जाते हैं। और 2 मिनट 10 सेकंड हो चुका है इस चैलेंज में। ऐसा लग रहा था महेश 2 मिनट, अब हमको लग रहा है दाल चावल बनाने वाले हैं क्या, पराठे और सब्जी का। दाल चावल बना लेंगे तो इनके लिए प्लस पॉइंट ही रहेगा, लेकिन दाल चावल बनाना नहीं चाह रहे हैं भैया, सब्जी भी समाप्त होना है, ध्यान दीजिएगा। और जिस हिसाब से महेश आगे बढ़ रहे हैं, समाप्त तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जी ज्यादा नहीं है और पराठे समाप्त है, अगर पराठे सूखे खाएंगे तो और भी नहीं चल पाएंगे। सब्जी के गले में फंसना लगेगा तभी चल पाएंगे, और गले में जब फंसने लगेगा तो समझ चलिए स्पीड पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। और देखते ही देखते लगभग बहुत ही तेजी अंदाज में देखते हैं महेश जी जो 4 मिनट प्लस का समय देने वाले हैं, तो उस समय में देखते हैं क्या प्रमोद जी खाने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि अभी 3 मिनट होने को है। सोच रहे हैं कि महेश भाग रहे हो तो भाग लो, लेकिन हमारा नंबर जैसे आएगा हम 1 मिनट में 8 पराठा खत्म कर देंगे। लेकिन वो तो जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा तभी पता लगेगा कितना पहाड़ ऊंचा है, क्योंकि जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे आता नहीं तब तक उसको हाइट का पता लगता नहीं। कहां सोचा जा रहा था कि महेश जो है 2 मिनट में पूरा पराठा समाप्त कर देंगे, लेकिन अभी पहले 1 मिनट में बहुत सेकंड हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो है एकाएक सिलो हो गए हैं। जैसे चैलेंजर की टंकी खाली रहती तो प्रेशर से पानी जाता है मतलब टंकी में, उसी तरह से चैलेंजर का भी है। और यहाँ पर देखते ही देखते पराठे को तो पूरी तरह से पहुंचा दिए हैं, लेकिन सब्जी की जो अधिकता है उस सब्जी की अधिकता को अभी नजर नहीं दे रहे हैं, मद्देनजर रखते हुए चल रहे हैं केवल पराठे को। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और 4 मिनट होने को है, हम बोल रहे थे भैया 4 मिनट प्लस लगाएंगे तो 4 मिनट प्लस हो ही जाएगा, हमको लग रहा है इनको। बहुत गजब। और देखते ही देखते पराठे की जो बाइट है 2-3 बाइट बची हुई है। 8 पराठे 4 मिनट में खाना कोई आसान बात नहीं है,
बहुत गजब। आठ और महेश जो साहस दिखाए हैं उनके साहस के लिए भी बहुत तारीफ की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा है और पराठे भी है, तो कितना आइटम खाना नॉर्मली खा नहीं पाता आदमी। बहुत गजब पराठा। और महेश फिर भी साहस दिखाएं और उस साहस के साथ नपी तुली बाइट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चार मिनट के ऊपर टाइमर जा चुका है, यानी 4:12 हो चुका है, अभी भी महेश पराठे और सब्जी से खेल रहे हैं। और सब्जी के साथ अगर ज्यादा इस्तेमाल करके खाते तो हमको लग रहा था फटाफट पराठा जैसे पहले पूरी तरह से इस्तेमाल किए थे, लेकिन सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया, धीरे धीरे सूखा पराठा खाने लगे। और सब्जी भी अकेले में सोच रहे हैं खा लेंगे, क्योंकि पराठे से खाने में झगड़ा कर रहा था पराठा और सब्जी, आपस में भिड़ जा रहे थे। बहुत गजब। अगर नहीं खाना है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगले चैलेंजर को भी सब्जी की छूट मिल जाएगी। खा लेंगे कि नहीं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, सोच रहे हैं खा लेते हैं, क्योंकि कोई किसी भी चैलेंजर के लिए कोई ना है, बिल्कुल फिनिश एंड बिनिंग वाला चैलेंज रहेगा। बहुत गजब। और देखते ही देखते सब्जी को बहुत अच्छी तरह से उंगली से पकड़ पकड़ के महेश एकदम मंजिल पर पहुंचा रहे हैं। सोच रहे हैं कि आज हम 5 मिनट के ऊपर चले ही जाएंगे चाहे जितना है। हाँ, 5 मिनट अभी क्रॉस कर चुका है टाइमर हमारा। बहुत गजब। देखते हैं कितने मिनट में समय फिनिश। 5:06 में बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। तो महेश जी आए, हौसला दिखाए, महेश जी का धन्यवाद करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अगले चैलेंजर के रूप में आए हैं प्रमोद, तो देखना है कि प्रमोद क्या कमाल करते हैं, क्या 5:06 का जो टारगेट दिए हैं महेश, उस टारगेट को तोड़ पाएंगे या उसके अंदर ही रह जाएंगे। तो देर न करते हुए प्रमोद जी के लिए टाइमर को चालू कर दिया जाए, और टाइमर चालू हो चुका है, तो एक पराठा एक बार में। प्रमोद जी और पेट्रोल रखे हुए हैं, मिर्ची सोच रहे हैं, अगर दिक्कत होगी तो मिर्ची का इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत गजब। देखते हैं कितने समय में इस चैलेंज को कम्प्लीट करते हैं, क्या प्रमोद जी बाजी मार पाते हैं या फिर इनके साथ बैठे हुए बीरेन जी। तो बीरेन जी का नंबर लास्ट में आने वाला है, तो बीरेन जी देखते हैं कितने समय में इस चैलेंज को कम्प्लीट करते हैं। मतलब जैसे कि पहले बता दिए थे गौतम जी आने वाले हैं, तो इनका नाम बीरेंद्र भी है। तो बीरेंद्र जी आ चुके हैं पूरी तरह से, और देखना है कि क्या कमाल करते हैं प्रमोद, क्या प्रमोद महेश के टारगेट को छू पाते हैं या नहीं छू पाते हैं। और हमको तो नहीं लग रहा है कि महेश जी के टारगेट को छू पाएंगे, क्योंकि महेश जी 1 मिनट में 2-2 पराठा उड़ा रहे थे, प्रमोद जी एक ही पराठे में झूल रहे हैं। हाँ, लेकिन 5 मिनट ले गए हैं, तो प्रमोद जी भी 5 मिनट के अंदर जितने पराठे हैं लगभग लगभग समाप्त ही कर देंगे। और वीरेंद्र को जो समय मिलने वाला है वो समझ चलिए 5 मिनट के अंदर शायद मिलेगा, ऐसा लग रहा हमको है। तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 1 मिनट हो गया है, अभी भी इनके पास 2 ही पराठे समाप्त हुए हैं। आज थोड़ा सा गलती कर रहे हैं प्रमोद, अगर उस गलती लेकिन को कोई दिक्कत नहीं, तो खाने कोई दीजिए, कोई जोर दबाव नहीं है, क्योंकि सारे चैलेंजर एक जैसे हैं। बात गजब। और जिस हिसाब से प्रमोद चल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि समय अपने काबू में करना चाह रहे हैं, लेकिन समय छटकता नजर आ रहा है, और जो मुंह में इतना तगड़ा भर लिए हैं उसको खाली नहीं कर रहे हैं, इसलिए रास्ता जाम हो चुका है, और रास्ता बहुत बढ़िया पूरी तरह से क्लियर करने के लिए। आप थोड़ा सा तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और महेश जी के तकनीक में आ गए हैं, और सोच रहे हैं हम भी थोड़ा सा महेश जी की तकनीक को देख लें, लेकिन महेश जी की तकनीक देखते देखते महेश जी से पीछे न चले जाए, और सोच रहे हैं नहीं नहीं यही चीज पहले करना चाहिए था इनको, अगर यही चीज पहले किए होते तो लगभग लगभग काफी हद तक का इनके प्लस पॉइंट बनी रहती। और 1.25 मिनट का समय तय कर चुका है हमारा टाइमर, और 5 पराठे करीब करीब समाप्त कर चुके हैं प्रमोद जी। समय सही चल रहा है और पराठा भी सही चल रहा है, और देखते हैं बीरेन जी इनके बाद क्या करते हैं, कौन सी तूफानी पारी लेके आते हैं, क्या प्रमोद जी को पीछे कर पाते हैं या फिर नहीं। बहुत गजब। और देखते ही देखते प्रमोद बहुत ही गजब तरीके से बाइट पे बाइट मारते चले जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि महेश को पीछे करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एंड में जब पता लगेगा, जब एंड में चैलेंज समाप्त होगा तब। चैलेंजर का तो एंड में ही पता ही चलता है, क्योंकि जब भंडारा होते होते स्पीड थोड़ा कम होने लगती है तभी समझ में आता है। और प्रमोद जी की जो गलती करते हैं कि मुंह में पूरी तरह से भरे रहते हैं, रास्ता जाम रहता है, रास्ते को क्लियर करने के लिए जेसीबी से खुदाई करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, पराठा है भाई, पराठा तो ऐसे फिसल नहीं जाएगा, उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत गजब, दोनों ही वो चलाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और टाइमर जो है हमारा बहुत गजब। और देखते ही देखते प्रमोद पूरी तरह से एकदम चकनाचूर कर दिए हैं पराठे को, और ऐसे मिक्स किए हैं जैसे दाल चावल मिक्स किया जाता है। सोच रहे हैं अब दाल चावल की तरह हवा में उड़ाते हैं, उसके बाद चैलेंज को नेनुआ की सब्जी पता नहीं चल पा रही है, ऐसा लग रहा है कि रोटी को दाल में एकदम मिला लिए हैं, और बहुत ही गजब अंदाज में भाग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है तोरी की सब्जी जो है काफी फायदेमंद होती है, काफी बेनिफिट फिसल होती है, इसमें फाइबर वगैरह की मात्रा काफी होती है। बहुत गजब। और यहाँ पर देखते ही देखते और गर्मियों के लिए अच्छी भी होती है। बहुत गजब अंदाज में प्रमोद
पेट्रोल भराते चल रहे हैं अपने गाड़ी में, सोच रहे हैं कि हम रुकने नहीं देंगे गाड़ी को, कहीं भी स्टॉप नहीं होने देंगे, और देखते ही देखते बाइट पे बाइट मारते चले जा रहे हैं। पेट्रोल टंकी पे ही रह जाएंगे क्या? नहीं नहीं, टंकी पे नहीं रहेंगे, और चार मिनट के, साढ़े चार मिनट तक का इनका समय काउंट होगा, और साढ़े चार मिनट के पहले ही लगभग लगभग बाइट समाप्त कर लेंगे अपनी। और तो प्रमोद जी देखते हैं कितने समय में फिनिश करते हैं, उसके बाद बीरेन जी का नंबर आता है और बीरेन जी क्या करते हैं, बात करते हैं। और लास्ट बाइट पे आ चुके हैं प्रमोद, और ये लास्ट बाइट समाप्त करते ही बीरेन जी सोच रहे थे प्रमोद जी से पहले हमारा नंबर आया होता तो हम तो कम से कम एक नया टारगेट खड़ा ही कर देते। हाँ, लेकिन अब सभी टारगेट को तोड़ने के लिए वीरेंद्र बैठे हैं, तो देखना है कि क्या कमाल करते हैं। और लास्ट बाइट भी पूरी तरह से सोच रहे हैं, मिर्ची भी प्लेट से खाली कर देते हैं, मिर्ची भी न रह जाए। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। और मुंह में जो है जुगाली करते नजर आ रहे हैं। तो चार मिनट सोलह सेकेंड, चार मिनट सोलह सेकेंड में प्रमोद जी आए, हौसला दिखाए तो खाली है। तो वीरेंद्र जी देखते हैं कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। देखिए आप लोग देख रहे हैं प्रमोद जी के बाद नंबर अगर लगा है तो वीरेंद्र जी का, तो देखना है कि वीरेंद्र जी क्या कमाल करते हैं, क्या प्रमोद को हराते हैं या खुद हार जाते हैं। देर न करते हुए टाइमर को चालू कर दीजिए, और टाइमर चालू हो चुका है तो स्टेज पहले थाली को घुमा लिए हैं, बहुत अच्छी तरह से। और थाली को घुमाए हैं तो पराठा टूट नहीं पाया है इनसे, तो देखते हैं पराठा टूट नहीं पा रहा है तो कितने समय फिनिश करते हैं, क्या प्रमोद जी से आगे जा पाते हैं। अगर दिक्कत हो तो आरी मंगाया जाए और काट काट के दिया जाए आपको पराठे, और बहुत अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी बाइट अच्छी तरह से ले रहे हैं। बहुत बढ़िया, 20 सेकंड में एक पराठा उड़ाया है, और इसी तरह से अगर थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो हमको लग रहा है आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, बहुत गजब, क्योंकि ज्यादा उतलाएंगे। स्टाइल तो महेश का लगा है, खाने की जो स्टाइल है महेश की लगी हुई है, और लेकिन स्पीड अपनी लगा है, तो स्पीड बहुत अच्छी जरूरी है, अगर स्पीड लेकर नहीं चलेंगे तो समय के मिनट में दो पराठा बिल्कुल आराम से कंप्लीट कर जाएंगे, तो चार मिनट में फिनिश कर जाएंगे आठ के आठ पराठे। बहुत गजब। और प्रमोद जी आए हैं तो कितना समय लिए हैं, चार मिनट सोलह सेकंड, सोलह सेकंड का मार्जिन बीरेन जी को बहुत बढ़िया मिल जाएगा। आज इनाम अगर मिलने वाला है तो बीरेन जी को मिलने वाला है, तो बहुत बढ़िया क्या कमाल। और जो फुर्ती लगाए हैं तोड़ने वाली, ये एक्स्ट्रा हो गई है, मतलब दो मिनट से पहले चार पराठे ऐसा लग रहा है कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत गजब। तो इस हिसाब से चार मिनट कुछ सेकंड लगेगा, सोलह सेकंड तो नहीं लगेगा, लेकिन चार मिनट कुछ से, हाँ तीन मिनट कुछ सेकंड में। अरे ओवर होगा तो प्रमोद जी कह रहे हैं जब ज्यादा खा लेंगे तब पता लगेगा, जाएगी तो उसके अनुसार देखा जाएगा। चार पांच पराठे खाते खाते तो समय लगेगा, मतलब कम समय लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा समय लगेगा। बहुत गजब। और जिस हिसाब से हमको लग रहा है चार मिनट से पहले तो कंप्लीट ही कर जाएंगे। हाँ, और लेकिन बाइट बहुत अच्छी ले रहे हैं, स्पीड थोड़ा सा लगा दिए हैं, उस स्पीड का फायदा उठाना चाहते हैं। और जिस हिसाब से प्रमोद आगे बढ़े थे उस हिसाब से नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम नहीं उस हिसाब से चल रहे हैं, दो मिनट में चार पराठे तो उड़ा ही दे रहे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि हम प्रमोद से आगे जाएं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड को प्लस लेकर चले हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो है स्पीड कम होती नजर आ रही है। नहीं, निगेटिव मत करो यार, पॉजिटिव रखो चैलेंजर को। बहुत बढ़िया। और दो मिनट का समय हमारा टाइमर तय कर चुका है, और चौथा पराठा फिनिश होने को है, और बात गजब, देखते हैं अगले दो मिनट में क्या करते हैं, कौन सा तजुर्बा लगाते हैं कि चार पराठे फिनिश मतलब कर जाते हैं। पिछले दो मिनट तक पराठा और सब्जी ही खाए थे, अगले दो मिनट में भी पराठा और सब्जी ही खाएंगे। नहीं, थोड़ी सी तकनीक अलग लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी पावर अलग लगानी पड़ेगी तभी। और जो स्पीड लगाए हैं, स्पीड की बात की जाए तो बहुत अच्छा, अब थोड़ा सा फॉर्म में आने लगे हैं। हाँ, दो दो पराठे को तोड़ना चालू कर दिए हैं। बहुत गजब, बहुत गजब, और गजब यार, और एकदम पूरी तरह से मसाला चालू कर दिए हैं। बहुत बढ़िया, जो काम पहले करना चाहिए था बाद में चालू किए हैं, तो ठीक है, चाहे जैसे अपनी स्टाइल है, अपनी अपनी स्टाइल है, तो उस स्टाइल से भागते नजर आ रहे हैं। तो देखना है कि मंजिल पर कितने मिनट कितने सेकंड पर पहुंचते हैं। और तीन मिनट समय टाइमर हमारा तय कर चुका है करीब करीब, और एक मिनट का समय बचा हुआ है, और उसे एक मिनट का फायदा उठा पाते हैं नहीं। बहुत गजब। और महेश जी आए थे तो स्पीड तो बहुत अच्छी लगाए थे, लग रहा था कि चार मिनट के अंदर महेश भी खा लेंगे, लेकिन महेश धीरे 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 स्लो होते चले गए। और प्रमोद जी आए तो चार मिनट सोलह सेकंड का टारगेट दिए हैं, तो देखना है कि वीरेन जी क्या कमाल करते हैं और कितने मिनट कितने सेकंड में इस टारगेट को छू पाते हैं नहीं। हाँ, और एक मिनट का समय इनके लिए पर्याप्त बचा हुआ है करीब करीब, और उस एक मिनट का उपयोग कर लेंगे तो समझ चलिए बहुत अच्छी तरह। और हमको नहीं लग रहा है उपयोग कर पाएंगे। अब प्रमोद जी को छू पाना जो है गौतम के बस की बात नहीं है ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि स्पीड कभी भी लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसा लग रहा है कि
भंडारण पूरा हो चुका है इनका और स्पीड बहुत स्लो होती नजर आई है। कोई दिक्कत नहीं है, 4 मिनट 16 सेकंड टाइमर तो देखा ही जाएगा भाई, क्या पता गायब हो जाए पराठा अपने आप। हाँ कहीं से कोई मंत्र जानते हो तो बात अलग है, और ना बोल दी है, मुंडी हिल चुकी है इनकी। तो ये हौसला दिखाए, इन लोगों का धन्यवाद करते हैं और प्रमोद जी को इनाम की राशि कैश देते हैं। तो यहाँ पर प्रमोद जी इनाम की राशि पा चुके हैं और बहुत गजब मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे थे कि हो सकता है कि वीरेंद्र हमसे जल्दी ही न खा ले और इनाम की राशि उधर न भाग जाए, लेकिन अब पैसा पाए हैं तो मुस्कुराहट बहुत अच्छी खिल गई है प्रमोद की। तो आपको यह चैलेंज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा चैलेंज। खाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं खाने में दिक्कत नहीं, लेकिन पराठा थोड़ा। हाँ पराठा तो भाई पराठा है ही है। हाँ 8-8 पराठे खाना कोई आसान बात नहीं है। तो ये लोग आए हौसला दिखाए, लोगों का धन्यवाद करते हैं और इसी तरह से आप लोग भी इन लोगों को सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।